हेलो दोस्तों मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर आज हम बात करने वाले हैं एरिस चीकर सिग्नल के बारे में देखिए आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी पर आज मैं आपको कुछ अलग तरीके से यहां पे सिग्नल के बारे में बताऊंगा एक और चीज में यहाँ पर बता देता हूँ की अगर ये सिग्नल बन रहा है तो आप समझ जाओ कि एक बार को या तो यहाँ से मैं शॉर्ट पोजीशन बिल्ड कर सकता हूं या फिर मैंने जो ले रखा उसे मैं सकता हूं। अब ये व्यू से लिया है तो फिर जाए बेरिश इंगलफिंग बन जाए या कोई भी तोपचंद वाला पैटर्न बन जाए हमें कोई दिक्कत नहीं है हम आराम से अपनी पोजिशन को होल्ड करेंगे हम कैंडल के फॉर्म पे नहीं अपने एनालिसिस के फॉर्म पर इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए पर अगर हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं अगर हम फास्ट फास्ट मूवमेंट हम कैच करते हैं छोटे छोटे स्लो रैली कैच करते हैं तो वो स्लो रैली कैच करने के बीच में अगर आपको ये वाला सिग्नल दिख जाता है तो आपको फटाफट से दौड़ लगा लेनी चाहिए मार्केट से अपनी पोजीशंस को लेकर के इसलिए ये वाला सिग्नल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है अब ध्यान से रखा यहाँ पे सिग्नल क्या होता है ये सबसे ज्यादा जरूरी आपको समझना तो देखिए बियरिश कीकर सिग्नल आपको क्या बताता है यहाँ पे बियरिश स्कीर सिग्नल का मतलब ये होता है कि एक बढ़िया सी तेजी हो रही होती है यहाँ पे मार्केट में शानदार वाली तेजी चल रही होती है प्राइस कभी रुकती है कभी गिरती है कभी चलती है ऐसा प्राइस मूव कर रही होती है फिर एक दिन क्या होता है ऐसा सीनेरियो बनता है यहाँ पे ऐसा कैंडल बनता है दिख रहा होता है कि यहाँ पे तेजी हो रही है अभी बियरिश क्या होता है बियरिश पे आकर के बनता है ये क्या होता है ये ऐसा कैंडल पैटर्न होता है जिसमें ये बताता है कि उसने सारे पुराने जितने भी बायर्स थे सबको लात मारी है और एक शानदार वाला नीचे की तरफ का मोमेंटम दिया है इसलिए इसका नाम बियरिश किकर रखा गया है किकर क्यों है क्योंकि ये जितने बायर्स थे ये सारे बायर्स को मार्केट करता है ट्रैप और इसकी ओपनिंग कहाँ होती है इसकी ओपनिंग होती है सीधा इस वाले कैंडल की बॉडी के भी नीचे अगर ट्रू पिक्चर्स में हम बात करें तो अब आ जाता है सवाल कि क्या सर हम इसको बियरिश किकर बोलते ये 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 बियरिश किकर कंसिडर होता जी हाँ बिल्कुल होता इसके स्ट्रेंथ किससे डिपेंड करेगी इसकी स्ट्रेंथ इससे डिपेंड करेगी ये कितना नीचे बना है इससे आप इसकी स्ट्रेंथ डिनोट करोगे एग्जाम्पल के तौर पर अगर ये यहां बनता स्ट्रेंथ कम है ये और ऊपर से आता तो फिर ये बीरस शिकर नहीं होता बोले क्या होता ये बियरिश इंगल्फिंग बन जाता इस वाली चीज का विशेष ध्यान रख करके चलना है मैं इस वाली वीडियो में जो है आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ बियरिश के बारे में बता रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जिसमें मैं बीयरिसकर की स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर आपको बियरिशीर दिखता है

अगर आप मार्केट को काफी समय से देख रहे हो तो आपने ऐसे कम से कम हजारों बी एर बनते देखे होंगे और अगर आपने ऐसे हजारों बी एर स्टीकर बनते देखे होंगे तो आप देखोगे कि यहां पे अगर मार्केट खुलते साथ ही उसका ओपन इज इक्वल टू हाई बनता है और या फिर थोड़ा बहुत टेल होता है और प्राइस नीचे की तरफ ड्रेग होना शुरू होती है तो आप बिल्कुल यहां पे समझ जाना कि ये जो फॉल हो रहा है ये एक मेजर फॉल में से एक जा रहा है और डेफिनेटली मैं इसके बीच में भी एंट्री कर सकता हूं अब क्या उसकी स्ट्रेटेजी होगी मैं कॉल शॉर्ट करूंगा पुट बाय करूंगा वो सारे में आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा इस वाले पार्ट में हम सिर्फ इस वाले पैटर्न को ढूंढना और कैसे उसको अप्लाई करना है उसके बारे में समझेंगे अब देखिए अप्लाई करने के मैंने आपको दो सीनेरियो बता दिए सबसे पहला सीनेरियो है यहां पर मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं तो सबसे पहला सीनेरियो है आपका यहां पर जब मैं इसे इंट्राडे यूज करना चाहता हूं बोले दूसरा सीनेरियो क्या है दूसरा सीनेरियो यहां पर मैं इसे पोजिशनल यूज करना चाहता हूं अब देखिए जितने भी लोग इंट्राडे यहां पे यूज कर रहे हैं ये किस पे बनेगा ये आपका निफ्टी पे भी बन सकता है और उसके स्टॉक पे भी बन सकता है बोले क्लियर है ऐसा होता भी है तो यह अगर निफ्टी या निफ्टी फिफ्टी के स्टॉक या फिर के स्टॉक में बन रहा है तो मैं यहाँ पे पी बाय करके रेडी बैठूंगा मैं इस वाले सेगमेंट के साथ वर्क करूंगा क्यों क्योंकि ये बीर शिखर इंट्राडे में बनना शुरू हुआ है यहाँ पे प्राइस ऐसे तेजी कर रही थी और तेजी करते करते एक दिन अगले दिन यहाँ पे डाउन हुआ और प्राइस बस इतनी सी नीचे उतरी और मैं एक्टिवली आके यहां पर क्या करा पी बाय कर लिया जिस भी स्टॉक पे ऐसा बना क्यों क्योंकि मुझे पता है कि ये वाला फोल कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ ड्रेक कर सकता है और ये कुछ ऐसा बना सकता है तो ऐसे सिनेरियो बन जाएंगे जहां पर जो मैं इनिशियली पुट ऑप्शन में एंट्री करूंगा अगर मेरी पुट ऑप्शन इसी आसपास की स्ट्राइक प्राइस की हुई तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपका पुट ऑप्शन सीधा सीधा आपको सत्तर परसेंट और अस्सी परसेंट रिटर्न देगा अभी मैं आपको यह वाली चीज भी बताऊंगा मैं आपको मेथड भी बताते चले जा रहा हूं नेक्स्ट पार्ट में इसको कैसे एक्सिक्यूट करना है मैं आपको बहुत वे में बता दूंगा और पोजिशन में क्या करना है यह भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा तो आई होप आप लोगों को ऑलरेडी इंटरेस्ट बन चुका होगा इस वाले पैटर्न को इस्तेमाल करने के लिए अभी मैं आपको स्पेसिफिकली चार्ट पर ले चल रहा हूं जिस पर आप चल के देखेंगे कि कैसे यहां पर बेरिश की कर

अब मैं सीधा पे आ जाता हूं, चार्ट के ऊपर आप ध्यान से देखोगे आपको अगर चार्ट देखने का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो ये पूरा मोमेंटम अगर किसी ने भी कैच किया तो वो इस दिन यहाँ पर एग्जिट कर सकता था कैसे कर सकता था आप ध्यान से देखोगे तो जो मैंने आपको सिग्नल बताया क्या है बोले बियरिश कीकर बोले बना बियरिश कीकर बोले बिल्कुल बना तो अगर मैं यहाँ से या यहाँ से या यहाँ से, से कहीं से भी लेकर के बैठा होता तो मैं यहाँ पे या इसके अगले दिन पे बिल्कुल एग्जिट करने के लिए रेडी बैठा था क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि ये सिग्नल बना है मतलब कट लेना चाहिए तो हम अगर यहां से निकल जाते तो आप देखिए आपने कम से कम यहां पे परसेंटेज वाइज 1720 से मोटा मोटा सोलह सो इकसठ रुपए साठ रुपए के आसपास की सेविंग कर ली है और अब आप क्या करोगे आपने जो स्विंग स्विंग पकड़ा पकड़ा था वो प्राइस जब नीचे आएगी मैं दोबारा से रेडी बैठा हूं इस वाले जोन में फिर से आएगी आई विल री इन्वेस्ट तो ये चीजें सारी क्लियर हो जाती है अब अगला सवाल मेरा व्यू लंबा क्यों है क्योंकि देखिए अब क्या हो गया पहले क्या सीनेरियो था पहले आपको लगता था स्विंग में पंद्रह टैक्स जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था अब वो कितना हो गया बोले अब वो हो गया बीस परसेंट अब अगर मैं ऐसा छोटा 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 प्रॉफिट बुक करूंगा ना तो आप ए, साल के एंड में देखोगे आपके पास ज्यादा पैसा रहा भी नहीं और गवर्नमेंट को टैक्स देने के लिए भी बन गया अब ऐसी गलती हमें नहीं करनी है तो ऐसे में लोगों ने क्या तरीका निकाला कि वो ऐसी छोटी छोटी रैली में नहीं कट करते हैं तो मैंने उन लोगों के लिए पहले ही बता दिया कि आप इन्वेस्टमेंट के नजर से देख रहे हो ये ऐसा छोटा सा प्रॉफिट मुझे बुक नहीं करना है बोले कहाँ बुक करना है बोले मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पे सीनरी जो दिखाई देता है मुझे मार्केट का वो दिखाई देता है 1900 से 2000 के बीच का तो बोले मैं क्या करूंगा मैंने यहां पे खरीदा इस जोन में खरीदा था प्राइस ऊपर से नीचे गिरना शुरू हुई मैं अभी भी नेट बायर हूं मैं इस स्टॉक पे पोजिशनल वेट करता हूं ये स्टॉक कहीं पे भी जाता है मैं नेट बायर रहता हूँ बस कोशिश मेरी होती है कि जब जब ये गिरेगा जब जब ये गिरेगा या इसके पहले जब गिरा हुआ था तब मैं बाइंग करता हूं और अल्टीमेटली जब वो एक बार खूब बड़ी रैली करेगा ना तब मैं एग्जिट करूंगा तो अगर आप वैसे सिनेरियो वाला इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो अच्छा है और ज्यादा बेटर है पर मैं यहाँ पर किन लोगों की बात कर रहा हूँ फास्ट प्रॉफिट लेके निकलते हैं कि यहाँ पर उन्होंने बड़ी क्वांटिटी ली सपोज दो लाख का लिया अब मूव हुआ ये हुआ सपोज सात परसेंट से आठ परसेंट का अभी छह या सात परसेंट का जो कैसा भी मूव था उस सात परसेंट का रिटर्न आया आपने एग्जिट करा आप फिर से रेडी हो गए तो इस हिसाब का जब आप काम करते हो तो आप क्या देखोगे कि आपको नेट नेट यहाँ पे प्रॉफिट बनता नजर आएगा अब यहाँ से आगे की तरफ मूव कर लेते हैं फटाफट से दूसरे स्टॉक पे कि वहां पे हम इंटरडे प्ले कैसे कर सकते थे उसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर आने वाले समय में पोजिशन और इंटरडे पर कैसे आप पुट ऑप्शन बाय या फिर कॉल ऑप्शन सेल करके अपने लिए ट्रेड करोगे उसके बारे में डिस्कस करूंगा अब यहाँ पे मैं अगले स्टॉक पे आ गया अगले स्टॉक पे भी आप ध्यान से अगर देखो तो इस आपको दिखाई देगा बोले क्या है ये क्या है बोले और ये क्या है बोले तो यही से आपको क्लियर पता चल जाता है कि मैं अगर पे लिया भी होता तो मेरे को यहाँ पे निकलना पड़ेगा मैं अगर यहाँ पे लिया भी होता या इस वाले जोन में लिया भी होता तो यहाँ पे मेरे को निकलना पड़ेगा और अगर मैंने यहाँ कहीं पे भी लिया होता है यहाँ कहीं से मैं रैली लेकर के आता तो देखो यहाँ पे रैली आई वापस से प्राइस गिरी पर यहाँ से गिरने के बाद वो फिर कंटिन्यू हो गई तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि यहाँ पे जो बियरिस्टिकर का सिग्नल होता है वो आपको कम से कम अगले